हेलो एवरीवन, अभी मैं एक इंडिया टीवी का वीडियो देख रहा था जो अभी अभी आया है। गोधरा पुलिस का जो बयान है उन्होंने लिया है और साफ साफ बताया जा रहा है कि तुषार भट्ट नाम का एक फिजिक्स टीचर है और वहां के लोकल बीजेपी लीडर और स्कूल प्रिंसिपल जो वहां के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे उसके हाथ में सब कुछ होता है, वो सारा किया धरा उन्हीं का है। और बहुत आसानी से वो क्या करते हैं, बच्चों से पैसे ले लेते हैं, बच्चे को जितना आता है उतना करने के लिए बोलते हैं। बच्चा वहां पे जब देखा गया कि लिस्ट में जितने बच्चे थे वो कितना पेपर कर पा रहे हैं, तो 5, 10, 20, 30 नंबर उन बच्चों के आ रहे हैं और बाकी सब वहां के टीचर्स तुषार भट्ट एंड टीम और पूरी गोधरा की जो स्कूल प्रिंसिपल का प्रशासन था ये सब लोग मिलकर उसके बाद में OMR भरने वाले थे। पूरा का पूरा पैसा उनके गाड़ी से बरामद हुआ है, ब्लैंक चेक बरामद हुआ है, उनके स्टेटमेंट्स है। और धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि हमको पता ही नहीं, चिटिंग हुआ ही नहीं है। अभी 2 दिन पहले साहब आप आए हैं, बड़े आराम से देश के भविष्य का सवाल है, एस्पिरेंट्स का, मेडिकल एस्पिरेंट्स का सवाल है, इसको इन्वेस्टिगेट कराइए बहुत अच्छे तरीके से, रिक्वेस्ट है आपसे। और कितने अंदर में करप्शन इसमें घुसा हुआ है, एनडीए की पूरी एग्जाम कराने की प्रणाली ही करप्शन से लिप्त है। भाई पेपर भिजवाते हैं, इसमें कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है। पेपर होने के बाद OMR को लाने का कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है, गति कुरियर कर देते हैं। अरे भाई गति कुरियर कर रहे हो तो कुरियर वाले को पैसा दे देंगे, बीच में टेम्परिंग हो जाएगी। मतलब सेम ऑन यू एनडीए, क्या पेपर करा रहे हो? इतनी बड़ी गवर्नमेंट एजेंसी इतनी लापरवाही से पेपर कराती है? ये सारे रास्ते तो अब खुल रहे हैं, आपके काले कारनामे तो बहुत लंबे।